नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 15 दिन पहले झांसी रोड से लापता हुई 12 वर्षीय बालिका का अपहरण एक गर्भवती महिला ने किया और उसे अपने साथ लेकर हरियाणा के रोहतक पहुंची, जहां अपने भाई से जबरन शादी करा दी। बालिका को बंधक बनाकर घर में रखा गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने बालिका को रोहतक से बरामद कर लिया है। साथ ही अपहरण करने वाली महिला, उसके पति और भाई को हिरासत में लिया है। बालिका के परिजनों को भी पुलिस ने उसके मिलने की सूचना दे दी है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के एक झोपड़ी में 12 वर्षीय बालिका अपने परिवार के साथ रहती थी। बालिका के पिता ई रिक्शा पर दुकान चलाते हैं। 18 अगस्त को बालिका यहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते वह लापता हो गई। रात तक जब उसका कुछ पता नहीं लगा तो परिजनों ने उसे ढूंढने शुरू किया। यहाँ कुछ लोगों ने परिजनों को बताया है कि बालिका को एक गर्भवती महिला के साथ देखा गया था। परिजनों ने झांसी रोड थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर पुलिस ने बालिका का फोटो डाला। एसपी अमित सांगी ने बालिका को ढूंढने के लिए डीएसपी क्राइम विजय भदौरिया, रत्नेश सिंह तोमर और क्राइम ब्रांच प्रभारी दामोदर गुप्ता को लगाया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने शुरू किए। वहीं बालिका एक जगह महिला के साथ नजर आ रही थी। महिला की पहचान गोमती केवट पत्नी केशु केवट के रूप में हुई है। यह महिला झांसी रोड पर ही किराए से रहती थी। महिला घर से गायब मिली, इससे पुष्टि हो गई कि महिला ही उसका अपहरण करके ले गई है। झांसी रोड थाना क्षेत्र से लड़की अपहरण हुई थी, किस तरह से बढ़िया काम है अभी पुलिस को हासिल लगी और क्या इसमें पूरा रहा था? आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है और मुस्कान पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। इसमें गुम दस्तयाब जो इतनी बच्चियां और जितनी महिलाएं हैं उनको दस्तयाब करने के लिए अभियान चलाया गया है। लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अभियान पहले से ही चालू कर लिया गया था और इसमें बड़ी अच्छी सफलताएँ मिली हैं ग्वालियर पुलिस को। बहुत सारी अभी लड़कियाँ और बहुत सारी औरतों को दस्तयाब किया गया है। जिस मामले के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये झांसी रोड थाना क्षेत्र की बात है। इसमें 18 अगस्त को एक बच्ची गुम हो गई थी, नाबालिग बच्ची थी और नाबालिग बच्ची के गुम होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी। और चूंकि वो बहुत ही निचले तबके से गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और लेकिन जब हम लोगों ने उसको देखा प्रकरण को, पर वो किसी एक महिला के साथ में, गर्भवती महिला के साथ में देखी गई थी। गर्भवती महिला के बारे में पता जब किया तो मालूम पड़ा कि वो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पुलिस को शक हुआ और उसके एड्रेस निकाल के आधार कार्ड के थ्रू और उसके और भी लोगों के साथियों के थ्रू निकाल के उसको फिर रोहतक से बरामद किया। क्या वो लड़की शादी की? लड़की के लिए अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में बताया था कि उसका अपने छोटे भाई से शादी कराने के लिए बेला पहुँचता के ले गई थी। अब इसके पीछे और भी क्या क्या चीज़ है अभी इसमें थोड़ा सा चालू है। किस तरह से पुलिस उनके पास पहुंची थी सर, के आधार कार्ड के आधार पर ही पहचान निकाली? जी जी, इसमें जो जिस महिला के साथ में अंतिम फुटेज में देखी गई थी वो उस महिला यहाँ पर उसका ना होना हम एक संदिग्ध कारण बन गया था और इसके आधार पर ही शक पुलिस का पुख्ता हुआ था और उसके जानकारी ली गई तो आधार कार्ड के थ्रू उसका जो एड्रेस था उस एड्रेस पर जाके पुलिस ने खोजबीन की, वहाँ पर एक लड़की पाई गई।